अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान फ्रॉम टेक्निकल सी। और आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, यार दो मंथ हो गए मैं अपने चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं था। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलते चलते मेरे चैनल पे यार 1K पूरे करवा दो, अराउंड ये 7 सब्सक्राइबर रहते हैं। मैं भी जब तक आप ये वीडियो देखो मेरे 1K पूरे हो चुके, लेकिन फिर भी आपको लाजम सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को लाजम से लाइक करना। मैं फिलहाल ना कोई रिव्यू, ना कोई अनबॉक्सिंग, कुछ भी ऐसा टेक के रिलेटेड नहीं लेकर आया, ये सिर्फ मैं अपने बारे में लेकर आया हूँ। पीछे आप जो स्टूडियो देख रहे हो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका क्या सीन है और मैं अभी कहाँ हूँ। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और आपके भाई ने बाल क्यों कटवाए, मतलब कि अपने बारे में आज मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिस पे मैंने बताया था रैनसमवेयर वायरस के बारे में, जिससे मेरी ऑल टू ऑल डेटा मेरी चली गई। मेरे 3 से 4 ब्लॉग शूट हुए थे वो भी उसमें चले गए। तो रैनसमवेयर के बारे में आपको बता चलूँ वो है क्या। असल में आपसे अभी देखो सीधी बात शेयर करता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर क्रैक कर रहा था, तो मेरे पास वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसका ओनली क्रैक डाउनलोड कर रहा था। पता नहीं कैसे मेरे पीसी में जो है वायरस आ गया और मेरी टोटली डेटा जो है वो करप्ट हो गई। तो ऐसे में हुआ ये कि मेरे हर फोल्डर में एक फाइल बनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आप पे करते हो $980 तो हम आपका डेटा जो है वो आपको रिकवर करके दे देंगे और आप डोंट वरी कि आपका जो है डेटा बिल्कुल सेफ है, कहीं भी नहीं गया। तो ऐसे में ये था कि यार मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि वो थे हैकर, हैकर थे या कुछ भी थे, वायरस नुमा वो चीज़ थी, वो मेरे पीसी के सारे डेटा मेरे उड़ गए। और उसके बाद हुआ ये कि मैंने वो पे करना सही नहीं समझा, अराउंड 1 लाख से प्लस बन रही थी उसकी अमाउंट, तो मैंने वो पे नहीं किया, ठीक हो गया। अब दूसरी बात कि 2 महीने से मैं एक्टिव क्यों नहीं, तो भाई मैं आ गया हूँ कराची बहरिया टाउन और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर जॉब का सिस्टम हो गया। उसका मैंने व्लॉग डाल दिया अपने दूसरे चैनल पे टेक्निकल से भी, शायद आपने वो ना देखो तो जाके वो व्लॉग देखो। और ये स्टूडियो का भी सारा मैंने टूर करवाया है, ये स्टूडियो माशाल्लाह से यहाँ पर सारा सेटअप हो गया हमारा, तो काम कौन सा कर रहा हूँ वो भी ज़बरदस्त है, जिस चीज़ का मुझे शौक था अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मेरा हो गया। तो वो जाएँ व्लॉग भी मेरा देखें। और इसके अलावा मैं आपसे तीसरी बात शेयर करता चलूँ कि मैंने बाल क्यों कटवाए। तो भाई बाल मैंने इस वजह से कटवाया, आपको पता है कि कराची का पानी ऐसा है और कराची की हवा ऐसी है कि किसी को भी छोड़ती नहीं, मतलब गंजा कर देती। तो मेरे यहाँ पर सीन ये हुआ कि अराउंड 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने बाल यहाँ पर सही थे, ठीक है। इसके बाद हुआ ये कि बाल मेरे इतना गिरना स्टार्ट हुए, वैसे तो गिरते रहते बाल लेकिन इतने गिरना स्टार्ट हुए, मतलब यूँ करो तो बाल हाथों से भर जाए, फिलहाल भी अभी भी गिर रहे हैं। तो सीन ये हुआ कि मैंने कटवाना मुनासिब समझा, यहाँ की हवा मिट्टी ये वो, तो इस वजह से जो है ना नहीं हो पाया। तो मैंने बाल बिल्कुल छोटे करवा दिए, अभी तो फिर भी थोड़े बड़े हो गए, मैंने बाल बिल्कुल छोटे करवा दिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे CEO हैं कैलिफोर्निया के, बिलाल तालिब सर, उनका आपने नाम शायद सुना हो, ना सुना हो तो मैं उनकी पिक्चर यहाँ पर रिवील करता हूँ कि माशाल्लाह से उनसे मिलने के बाद जो बंदे को एक फीलिंग आती है ना कि यार अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तो उनके अंदर है माशाल्लाह से, मतलब उनके बात करने का अखलाक, उनके डील करने का अखलाक, और उसके अलावा कि सामने वाला जो बंदा है इसको इज्जत कैसे देनी है, मतलब कि जितना कहो उतना कम है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार ये मतलब कि ठहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आप बंदे से मिलोगे तो वो एक मिसाल दे देना कि यार नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो बंदे को बाहर से बंदा जज नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह जो है ना, बहुत दिनों के बाद मैंने बोला यार आज क्यों ना कोई वीडियो बना दी जाए, और बाल कटवा के बहुत ही आपको भाई को अफसोस हो रहा है, मतलब कि मज़ा तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा मुझे। तो अभी सीन ये है ना कि इंशाल्लाह व्लॉग भी आएंगे और वीडियोस भी डेली मैं यहाँ पर शूट किया करूँगा। मैंने बोला यार कि दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं, स्टूडियो भी यहाँ पर सारा दिन स्टूडियो में होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में शेयर कर दी, तो चाहें वो ब्लॉग देखें और मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो कैसी लगी आपको वीडियो, सिर्फ मैंने इन्फॉर्म करने के लिए आपको ये वीडियो बनाई, ऐसा कोई भी मतलब कि रिव्यू वगैरह ऐसा सीन कुछ भी नहीं था। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई रिव्यू वगैरह ऐसे कोई चीज़ या तो कोई टेक के रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।